because Governor Saab after the meeting will go to his left. Thank you. Kindly felicitate. I thank you all for being with us this evening. To brief about the project is a brainchild of some senior citizens of Santa Cruz based, who decided to undertake a project which helped to improve the environment. This crematorium is first of its kind in Maharashtra. By using the scrubbers, which would wash the gas before it is released in the air and reduces the pollution. The electric crematoria are subject to frequent breakdown and many a times financially unviable. People have experienced that wherever that electrical crematories are there, they are financially unviable. The conventional system of using mixed with many kg ghee or kerosene and wood is harmful to environment. A typical conventional pyre uses 400 to 500 kg of wood per cremation. It is estimated that in India about 80 lakh trees are being used for cremation. The PNG crematorium is spread over 5,000 square feet, what we see today, at a cost of about 3 crores, which includes renovation and restoration of old structures, compound, paving we have done, a fresh garden also we have redeveloped. The seating capacity of this hall is about 150 people can sit at a time. The crematorium is having state-of-art facilities like Wi-Fi, CCTV, audio system and video coverage for those who cannot attend the last rituals. Arrangement for storage of asti, AC coffins and folding stretcher is also made. It is estimated that cremation time will be about 45 to 50 minutes per body. I think this will give a clear picture of what senior citizen had thought of and what is the result. Thank you very much. सबसे पहले senior citizen Sanskrit Santa Cruz पश्चिम की संस्था ने इतना अनूठा और इतना सुंदर ये जो पूरा आयाम करके इतना अच्छा बनाया हुआ है, इसलिए सबसे पहले आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया था तो एक अकेले चले और उनके साथ पूरा समाज चलता गया, देश चलता गया। वैसे ही जब जनता तय करती है तो उसका परिणाम भी दिखाई देता है। आज सीनियर सिटीजन इस ग्रुप के सारे लोग जो हर वक्त चुनाव में भी काम करते हैं, सब जगह लोगों के लिए काम करते हैं, जब उन्होंने तय किया कि हाँ हम जनता हैं, हम हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप देखिए कितनी सुंदर वास्तु, मैं इसको सुंदर ही बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल दुख के समय पे हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके समाज में एक बात बहुत ज़रूरी होती है, धर्म में सिखाया जाता है कि धर्म हर वक्त पुरानी विषयों से, उसी चीज़ों को आगे बढ़ाने से अच्छा जिस नए ज़माने में जुड़े और उस धर्म को लेके आगे वाली पीढ़ी भी उसे समझ सके उस ज़माने के साथ, यही धर्म होता है और वही हमारा कर्म होता है। और ये कर्म यहाँ के सीनियर सिटीज़न ने एक बार सोचा, क्राउड फंडिंग हम करेंगे, ये कोई आशीष जी ने थोड़ी मदद की, हम सब खड़े हैं साथ में, सब ठीक है, लेकिन नहीं, हम जनता के लिए काम करें और क्राउड फंडिंग के रूप से लोकांकड़ पैसे कहते हैं, लोगों से आपसे पैसे ले लेके इतनी सुंदर वास्तु की आप सच्ची बहुत 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 शुभकामनाएँ आपको। जब मैं यहाँ पे अंदर आई, मैं गवर्नर साहब को वही कह रही थी, जब आप सब जगह यहाँ देखेंगे, एक तो आप इस वास्तु में आते हैं आपको पता भी नहीं चलता आप किसके लिए आए हो,
और ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब हमने हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, सब जगह जाते हैं, हम अपेक्षा क्या करते हैं भगवान के पास जाते वक्त, कि मन की शांति मिले। जब तक आजू बाजू स्वच्छ माहौल ना हो, वो माहौल साफ़ सुथरा ना हो, तो आप कहीं ना कहीं जाके भक्ति पूजा कुछ नहीं कर सकते। और वो आदमी जीवित हो या जीवित ना हो, हर जगह पे माहौल वही स्वच्छ और सुंदर चाहिए जिस रूप से हमें दिल में उसके लिए कुछ लगे। और आज यहाँ पे वो कर दिखाएं। मैंने सुना मुंबई में पहली बार ऐसा क्रिमेटोरियम बनाए जहाँ पे महानगर गैस की गैस आई है, और हम आज पेड़ों को नहीं काटेंगे, ये एक बड़ा आपने प्रण लिया है। कहा जाता है कि इफ़ यू नो ट्रीज वुडंट हैव इफ़ ट्रीज वुड हैव एमिटेड वाईफाई दे वुड हैव लिव लॉन्गर, क्योंकि ऑक्सीजन की किसी को इतनी परवाह नहीं पड़ी एनवायरनमेंट की जितनी वाईफाई की पड़ी हुई है। लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने लाखों पेड़ कटे जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है और आने वाली जनरेशन के लिए दिक्कत की बात है, इसलिए मैं इस विषयों पे बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन, हर चीज़ की व्यवस्थापूर्ण माहिती यहाँ पे विषय यहाँ पे लिखे हुए हैं, और लोगों को कहा गया है कि हम अपनी तरफ से जब जीवित हैं और जीवित ना हैं तो भी समाज की सेवा करें, ये निर्णय लेके आप आगे आए हैं। और लोगों ने तय किया, जब लोग कुछ तय करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये आज दिखा के दिया है भरत भाई ने और सब लोगों ने यहाँ पे बैठ के। मुझे इसके लिए आप लोगों ने आपका हिस्सा समझ के बुलाया और वक्त जुड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्ष सबको मिले, लेकिन साफ सफाई में मोक्ष मिले, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत ऐसे भी निकले, एक बार स्वच्छ भारत ऐसे निकले तो दिल भी स्वच्छ रहेगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था के सभी ट्रस्टी भरत भाई, नगीन भाई, सबके नाम मैं ले सकता हूँ, और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है, क्योंकि मुंबई शहर में इस तरीके से क्रेमेटोरियम का उद्घाटन शायद और लोकार्पण शायद और कोई कार्यक्रम का हुआ नहीं होगा। मैं विशेष रूप से सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने सिटीजन्स मूवमेंट, रहिवासियों ने बनाए हुए एक अभिनव कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से यहाँ पर समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सांताक्रूज के इस परिसर में माननीय राज्यपाल महोदय जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये इलाका पहले शहर से बाहर था, यानी शहर छोटा हुआ करता था, और उसके कारण यहाँ पर जो क्रेमेटोरियम है वो शहर के बाहर माना जाता था। इसके कारण जो ट्रेडिशनली विधियाँ होती है उसमें लकड़े का इस्तेमाल हिंदू पद्धति से होता ही है, और उसके कारण जो भी पेड़ों को काटना पड़ता था, पोल्यूशन होता था। समय चलता गया और इस पूरे विभाग में एक रेजिडेंशियल एरिया ये हब बन गया, और यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंगें भी आ गई, और आज शमशान से इस क्रेमेटोरियम से बहुत नज़दीकी बिल्डिंग यह है। आणि मग इथला असलेला प्रदूषण, हे सगळं प्रदूषण एका अर्थाने नागरिकांना सुद्धा धोकादायक निर्माण केलं गेलेलं आहे, आणि म्हणून बरेच वर्ष चर्चा पर्यावरण पूरक अशा पद्धतीचं स्मशान असलं पाहिजे ह्या खूप मोठ्या चर्चा झाल्या, पण यामध्ये पुढे कोण येणार, आगे आके कौन यहाँ पर काम करेगा, ये तय नहीं हो रहा था। और विशेष धन्यवाद इसका है कि सीनियर सिटीजन्स ऑफ सांताक्रूज, सांताक्रूज मधील वरिष्ठ नागरिकांनी ये सांताक्रूज सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन बनाकर उन्होंने तय किया कि समाज में से कोई और आगे आए ना आए, लेकिन हम वरिष्ठ नागरिक इस प्रोजेक्ट के लिए आगे आएंगे, और उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस पूरे भवन को खड़ा किया। 3 करोड़ से भी दरमियान की लागत लगने वाली इस पूरी बिल्डिंग को सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के सभी मेम्बरानों ने डोनेशन के माध्यम से जमा किया। मैं महानगर पालिका का भी धन्यवाद दूंगा कि महानगर पालिका ने इस भवन को, इस क्रेमेटोरियम को, इको मोक्ष को बनाने के लिए ऑक्ट्रॉय में माफी दी। इसमें डेवलपमेंट चार्ज हमने रिप्रेजेंट किया, उसमें भी
उन्होंने हमको माफ़ी दी, कंसेशन दिया, और इसके ओसी के लिए जो आवश्यकता थी आईआईटी के स्पेशलाइज्ड लोगों को ये फर्निश का अप्रूवल देने का, उसके लिए जो भी खर्चा लगा वो भी मुंबई महानगर पालिका ने दिया। हम जोरदार तालियों से महापालिका का भी उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करेंगे। और आज ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरा क्रेमेटोरियम जो सपना था सीनियर सिटीजन्स का, और आज ये इको मोक्ष पाइप नेचुरल गैस से बना हुआ, जहाँ लकड़ा नहीं जलेगा, धुआं नहीं निकलेगा, एशेस के कारण बीमारी नहीं फैलेगी, और बहुत पुनीत इस तरीका का वातावरण बना हुआ ये हॉल, और दो अपने क्रेमेटोरियम के फर्निश इस प्रकार का बना हुआ है, इसका आज माननीय राज्यपाल महोदय जी ने लोकार्पण किया है। मुझे लगता है सांताक्रूज में, बांद्रा में, खार में और उपनगर में और मुंबई में रहने वाले हर इंसान को इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेनी होगी कि मैं मेरे जिस इलाके में, जिस गलियों में रहता हूँ, वहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के पूरक इस माध्यम से मैं और अच्छा काम करूँ, इस प्रकार की प्रेरणा हम सब लोग इस कार्यक्रम से ले। मैं सभी का फिर एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम इमेंसली हैप्पी टुडे टू एसोसिएट माई सेल्फ विद द कमीशनिंग ऑफ द पाइप नेचुरल गैस सेमेट्री एज एन एक्सटेंशन टू द एग्जिस्टिंग स्मशान भूमि इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी। This is a thoughtful initiative as it will give dignity to the dead while at the same time reduce the burden of wood which is widely used for cremation. But I appreciate your excellent work. This is, I think, it comes number one in the Narendra Modi ji Swachh Bharat कार्यक्रम। Swachh Bharat में कई programs हैं, number of programs are there, but I think this will be the number one program in the Swachh Bharat, and not only in the Mumbai, in the entire country people should follow. A good beginning has been made, and I would like to congratulate Srimati Poona Mahajan, Sri Ashish Shalar ji, and members of the senior citizens Santa Cruz Samstha and the Municipal Corporation for their efforts in hastening the conversion of the crematorium into eco-friendly green cemetery. Dear friends, it should concern us all that at least 50 to 60 million trees are burned every year in India during the cremations. You know how difficult it is to plant a single sapling to make it grow and to ensure its survival. These days we have to organize tree plantation programs to plant trees, to kill 6 crore trees in a year for cremation disturbs the conscience of any right-thinking person in the country. According to a report, when we burn trees, at least 8 million tons of carbon dioxide or greenhouse gases emitted. Apart from causing pollution and environmental degradation, cremations using wood also generates large quantities of ash which is immersed in rivers, streams and other live water bodies. At a time when many parts of the country face droughts and water scarcity, we cannot afford to burn our trees and pollute our bodies. I came across a report that the city has a total of 197 crematoriums, of which 61 are municipal and 136 are private. However, there are only 11 electric crematoriums. It is alarming, which means in Mumbai alone we are burning thousands of trees for cremation. I understand many people are reluctant to use electric crematorium for religious reasons. We have to convince them, we have to convey this message to them.
As we launch the eco-friendly crematorium today, we must launch an awareness program to encourage people to eco-friendly cremations and electric cremations. It should be the endeavor of the BMC to convert all wood-based crematoriums into eco-friendly gas furnace crematoriums. It will be a great service to Mother Nature. May I suggest BMC to display a board at an entrance to the crematorium prominently. The board should mention how much wood is burned for a single cremation, how many trees are killed, and how environment is damaged if you cremate bodies using wood-based fuel. This must be exhibited so that they can educate and encourage others. It will persuade people into using eco-friendly crematoriums. We must also impress upon people the fact that eco-friendly cremation is economically much cheaper than wood-based cremation. I have no doubt in my mind that the people of Mumbai would support this initiative wholeheartedly. Ladies and gentlemen, the city of Mumbai alone generates about 9,400 tons of solid waste every day. Treating and disposing the waste is going to be a major challenge. It is not that we don't have money. Our municipal corporation is having thousand and thousand crores of rupees. Thankfully, today there are technologies to convert solid waste manage to energy. I do feel that the city of Mumbai must take up the issue of managing its solid waste and converting it into energy on a mission mode. Number of senior citizens are here. When they came to me, when they invited the Samastha people, I told them that I am very happy to come, because this death is going to happen definitely to each and everybody. This was nicely stated, mentioned in our Mahabharata. Yama Dharma Raja, he appeared as a Yaksha. Yaksha in Mahabharata, they are widely called as Yaksha Prashna. In the Yaksha Prashna, Yaksha asks Dharmaraja, he asked Dharmaraja, what is the wonderful in the world? Dharmaraja explained to the Yaksha, every day people are dying. Pashupakshad bhi marte rahte hain. But we think that we may not die immediately. That kind of thing will be in our heart, somewhere hidden. Mera baju wala marta honga, udar wala marta honga, mai rehta hon, aisa karke samajhte. That is the wonder of the world. So that we cannot avoid. Therefore, we have to concentrate on that. And I wholeheartedly extend my thanks to Poonam Mahajan and also Avishish Shellarji and all other gentlemen who are seated on the dais, particularly to the senior citizens. You realize and you are showing a path to the Mumbaikars. And wholeheartedly, I am thankful to you. With these words, I once again congratulate our gentlemen and all the citizens Santa Krish Samiti for this excellent initiative, and thank all of you for your patient hearing. Jai Hind, Jai Maharashtra. For last couple of seconds, I was jumping on my chair. Today we are reached by 1,11,11,111. The donation from Vora family. So from tomorrow onwards, this hall will be known as Matusri Kumudben Nyalchand Vora Hall. Please, thank you very much. Thank you. Thank you for that. Thank you so much. Namaskar, good evening, ladies and gentlemen.
On behalf of Senior Citizen Santa Cruz Paschim Sanstha, we thank wholeheartedly our guest, Honorable Governor Sri Vidyasagar Rao, Member of Parliament Srimati Poonam Mahajan, MLA Sri Ashish Shelar, Deputy Mayor Srimati Alka Ben Kerkar, Corporator Srimati Geeta Bala Chauhan, Deputy Municipal Commissioner Sri Vasan Prabhu, Additional Municipal Commissioner Sri Sarat Ugade. For sparing time from their busy schedule to attend our inauguration ceremony for Ecomox Crematorium project. Your presence has given us lots of encouragement and boosted our resolve. We also thank our long list of donors, more than 500, for their generous donations, without which this project would not have materialized. We take this opportunity to wish all of you a very happy Diwali and joyful and best wishes for the new year. Once again, we thank all the dignitaries for their presence and making this inauguration function a success. Thank you. Thank you.